जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। फोटो केमिस्ट्री हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर जो नया सीखने वाले हैं वो क्या है? आज हमारा पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन। इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले तो देखेंगे क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन से रिएक्टेंट पार्ट लेते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पुट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और सबसे पहले कुछ कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट की बात करेंगे, तो देखिए क्या है, ट्रिपलेट स्टेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्कीन। ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्कीन या ओलिफिन भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। टेक पार्ट इन रिएक्शन, तो क्या बोला हमने, कंडीशन क्या है कि भैया ट्रिपलेट स्टेट तो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड का रहेगा और ग्राउंड स्टेट हमारा किसका रहेगा, एल्कीन का रहेगा इस रिएक्शन में, पहली चीज, ठीक है। सेकंड कंडीशन, 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एंड एल्कीन टेक पार्ट। क्या बोला है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो और एल्कीन इसमें कैसी रिएक्शन देंगे, साइक्लो एडिशन, वो भी कैसी, 2+2। ओके नेक्स्ट लास्ट कंडीशन देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट की बातें करते हैं। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, ऑक्सीटेन फॉर्मेशन, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्या, पहली चीज ट्रिपलेट स्टेट किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का, ग्राउंड स्टेट किसका, एल्कीन का, दोनों कैसी रिएक्शन देंगे, 2+2 रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ऑक्सीटेन बनाएंगे। तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन हम एक एग्जांपल में देखते हैं। अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1, देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि भाई मान लीजिए ये कोई कार्बोनल कंपाउंड है और ये एल्कीन है, हम इसमें एच न्यू, फोटो केमिस्ट्री है तो एच न्यू लेंगे कंडीशन, और 2+2 साइक्लो एडिशन हमने दिया हुआ है तो 2+2 ये लीजिए। रिएक्शन कीजिए, देखिए कैसे होगी, ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ऐसे एरो से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, और एक 4-मेंबर रिंग आपके सामने यहां पे बन जाएगी, ये लीजिए। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज थी ये। चलें आगे, चल अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले चीज कार्बोनाइल कंपाउंड है क्या, ये रहा, और एल्कीन है, दोनों की फोटो केमिस्ट्री है तो एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन है, और 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे रहा है, कैसे कर रहा है रिएक्शन मैंने बता दिया, प्रोडक्ट दे रहा है। ये जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन का मीनिंग क्या है, 4-मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटरोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, मैंने इसको दिया एच न्यू, ओके, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, जैसा मैं बना रहा हूँ,
ये सिंगलेट स्टेट है। सिंगलेट स्टेट के अंदर होगा क्या कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम स्पिन में होते हैं, पता है आपको, सिंगलेट कंडीशन बना दी मैंने। बोथ इलेक्ट्रॉन रेडिकल बनेगा, ऑब्वियसली बात है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे दो रेडिकल आ गए और दोनों के दोनों स्पिन सेम है, यानी सिंगलेट स्टेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुछ ये ISC, जेब्लॉन्स की डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने बताया था। ISC का मीनिंग होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और ये सिंगलेट जो है ट्रिपलेट के अंदर चला जाता है। तो ये देखिए, हम इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये लीजिए ट्रिपलेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, अब अपोजिट स्पिन में, समझ में आ गया क्या है ये क्या बताओ, नहीं ये नहीं है, ध्यान रखो भैया, जेब्लॉन्स का डायग्राम याद होना चाहिए हमें। क्या बोला था कि सिंगलेट के अंदर जो होता है अपोजिट स्पिन होता है, और ट्रिपलेट में, हाँ क्योंकि देखिए अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो इनका स्पिन सेम होगा, और ये एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो इनका जो स्पिन है अपोजिट होगा। समझ में आ गई चीज़, चलिए अब आगे चलते हैं, चलें देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, किससे करवाएंगे, ये लो जी ये एल्किन, मैंने इस एरो के ऊपर बना दिए, यानी ये वाली एल्किन, ये एल्किन है क्या, ये CH2 है भाई, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, तो बनाने की नीड नहीं है ये नहीं। अब देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा और कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, फ्री रेडिकल बने हैं, फ्री रेडिकल स्टेबल होता नहीं है, दोनों एक दूसरे को बोलेंगे अच्छा तुम भी अनस्टेबल में भी, तो चलो बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जब दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये लीजिए प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म कुछ ऐसी होती है, तो इसके अंदर हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, क्या है फर्स्ट कंडीशन, कि भाई ट्रिपलेट स्टेट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड दिस इज रिएक्ट विथ एल्किन एंड गिव्स ऑक्सीटेन प्रोडक्ट। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, सेकंड ये हमारा कीटोन रिएक्ट कर रहा है कुछ इस तरह के कंपाउंड से, किस तरह के कंपाउंड से, OR ग्रुप लगा देते हैं एल्कीन में, ये लीजिए ओके, तो कराइए रिएक्शन, कंडीशन लिखिए फोटोकेमिकल 2+2 पैटर्न ओबूची, ओके रिएक्शन होगा। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी, या तो आप ये करें, ये लीजिए यहां रेडिकल बन गया, यहां रेडिकल बन गया, ये क्या है, क्या क्या है, ये जो है ट्रिपलेट में बन जाएगा, बार बार हम करेंगे नहीं, अंडरस्टूड है, हम इसे ट्रिपलेट में लेके चलेंगे। ये एल्किन से रिएक्शन करेगा तो इसका डबल बॉन्ड जो है दो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेडिकल इस ऑक्सीजन के रेडिकल से क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। अब क्या बचा, यहाँ एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल, एक पॉसिबिलिटी ये मैंने बताई, एक नीचे देख लेते हैं कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है, ये लीजिए पॉसिबल है बिल्कुल। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में से नीचे वाला जो पाथ आपको दिख रहा है वो फॉलो करेगी, क्यों, क्योंकि ये रेडिकल की स्टेबिलिटी और इस रेडिकल की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो रेडिकल है इसके पास में स्टेबिलिटी के लिए ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो इसलिए अब ये यहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा, ये लीजिए, समझ में आया क्या है? अगर आपको लग रहा है कि फाई क्या है, तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, फिनाइल रिंग को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें ऐसे नहीं बन के ऐसे बनेगा, ये लेस स्टेबल है, क्या है, रेडिकल, इसीलिए हमने
रिएक्शन नीचे वाले पाथ से कराइए। तो पैटर्न में पूछी रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए और बताए। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल पे चलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है वो देखेंगे। ओके, तब स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल। थर्ड नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ एल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब है पैटर्न पूछी रिएक्शन 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देगा। दो तरह की पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी अभी कि एक रेडिकल या तो ये बना लो या ये बना लो। तो मैंने जो बनाया था इससे जस्ट प्रीवियस वाला एग्जाम्पल, उसी के बेस पे मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। ठीक है, कैसे? ऐसे। समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ये रेडिकल बनेगा और इससे जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो आपके सामने ये रहा। गॉट इट? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट प्रीवियस एग्जांपल सेम, ये और वो सेम। नेक्स्ट फोर नंबर एग्जांपल देखिए क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट मीन्स इट इज अ पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन 2+2 साइक्लोएडिशन। ये है सिस। तो देखिए सिस से सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, दोनों तरह के प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूं। OMe ग्रुप जो थे वो मैंने अटैच कर दिए, सिस और ट्रांस दोनों ग्रुप मैंने यहाँ पे एक बार लगा दिए, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांस है, ट्रांसफॉर्म है एल्कीन की, क्योंकि एक OMe ग्रुप इधर है, एक OMe ग्रुप इधर है, अलग अलग साइड है यहाँ पे, जबकि दोनों सेम साइड थे तो सिस थे। यहाँ पे भी दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ये ए है ये बी है, यहाँ पे भी ए और बी दोनों मिलेंगे, यानी सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो फ्री रोटेशन करेगा और सिस और ट्रांस दोनों तरह के प्रोडक्ट देगा। इधर आइए भैया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इन दोनों को यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। कैसा? ऐसा। ये CN सिस है तो सिस ही प्रोडक्ट बनेगा, और ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। रे लाला, ये लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, CN साइनाइडी के केस में इंपॉर्टेंट है, रेड से लगा लो, इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट। या कई बार जनरली पूछ लेता है, हमारे माइंड में क्या रहता है कि सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, दोनों बनेगा, दोनों बनेगा, हम दोनों बना के आ जाते हैं, वो दे देते हैं साइनाइड में इस टाइप का स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस वाला, लेकिन सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस, स्टीरियो स्पेसिफिक। कैसी रिएक्शन है? स्टीरियो स्पेसिफिक। चलो आगे चलते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले डबल बॉन्ड से रिएक्ट कर लेगा और कुछ इस तरह का बना लेगा। रे लाला, देखिए, गॉट इट? तो ये डबल बॉन्ड इससे रिएक्ट कर चुका है। इधर आइए, इधर चलते, ये रिएक्ट कर लेगा जैसे यहां किया था वैसे यहां कर लेगा। चलो करते, ओके, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बन गए, ये बेंजीन रिंग। बट इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मान लीजिए कि ये नॉरबोर्नाइल स्ट्रक्चर है जो हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज है, ये एल्किन जो लिए ऐसा है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उससे ऐसे रिएक्ट करेगा, इधर से एक्सोसाइट से, एंडोसाइट से रिएक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, एक्सोसाइट से आके रिएक्ट करेगा। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी हो अगर हमें, तो देखो कैसे दिखेगा, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, गॉट इट? ऊपर की तरफ एक्सोसाइट से। चलो नेक्स्ट, यहां पे रिएक्ट करवाओ, प्रोडक्ट बना देता हूँ डायरेक्ट। अब तो आप मास्टर हो गए होंगे, मतलब तो हम ही कर लेंगे, आपकी नीड ही नहीं है। ये लीजिए,
रिपल्शन से बचने के लिए हमने इसको उल्टा लगाया दोनों ऑक्सीजन अपोजिट साइड में, क्योंकि ये दो बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ ये एसीटोन, ध्यान से देखिएगा, एसीटोन जो है इस रिएक्शन में इसको डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। डाइमर क्या होता है, एक जैसे दो मिलके एक हो जाते हैं तो उसे डाइमर कहते हैं। ये लीजिए, ये डाइमर। ऐसा ही ये अपने जैसे के साथ में रिएक्ट कर लेगा और एक फोर मेंबर रिंग एक्स्ट्रा बना लेगा और डाइमर बना लेगा। क्या बना लेगा? डाइमर, ठीक है। एसीटोन की प्रेजेंस में होगा ये, ध्यान रखने। एक बार और एसीटोन लिया है ये, अब इससे ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। अब आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड हटा, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, ये डबल बॉन्ड हटा, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना। अब ये रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे कैसे, कुछ ऐसे। देखिए रेड पेन से बना रहा हूँ बॉन्ड, ये समझ में आ गया होगा कि ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्ट करेगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से क्या करेगा, रिएक्ट करके और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। ये दोनों स्पेशल केस, ध्यान रखिएगा, एसीटोन के साथ में ऐसा था, बाकी हमने कहीं पे भी एसीटोन यूज में नहीं लिया है, ठीक है। तो ये तो था पैटर्नो बूची रिएक्शन के बारे में, सारी डिटेल से मैंने आपको बताया, एक एक एग्जांपल करवाया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।